जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं प्रिया आज आपके साथ EVS पेडागॉजी का एक बहुत ही अमेजिंग सेशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यहाँ पर ये उसकी पहली वीडियो रहने वाली है। इसके पहले भी आपको इस प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो EVS के कंटेंट रिलेटेड सेक्शन से मिल जाएगी, जैसे कि प्लांट्स के बारे में, पक्षियों के बारे में, मैपिंग के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें। बट ये जो हमारी सीरीज़ रहने वाली है जो EVS पेडागॉजी करके है, EVS पेडागॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो आने वाली है, इसमें मेनली हम पेडागॉजी सेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि पेडागॉजी आपके 15 मार्क्स जो है पेपर 1 जो EVS का, उसमें 15 नंबर की पेडागॉजी आती है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि थीम क्या है, प्रोसेस स्किल कौन सी है, इसके अलावा क्या पेडागॉजी जो है पेडागॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से EVS की क्या है, या EVS किन किन सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। ऐसे तमाम क्वेश्चन हमको सीटेट के पेपर में देखने को मिलते हैं, तो हम इन्हीं जो है चीज़ों के बारे में इस वीडियो में और इसके आगे आने वाली जितनी भी आपकी पेडागॉजी की वीडियोस हैं उनमें जो है उसके आपको थंबनेल पर EVS पेडागॉजी लिखा हुआ मिलेगा, वो पेडागॉजी से रिलेटेड है, जो इन 15 मार्क्स के कंटेंट के ऊपर फोकस रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, जल्दी से चैनल को जो है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ जो ये EVS पेडागॉजी, आप हमारे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हैं मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो जो है आप रेगुलरली बेस पे देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। पर कोई नहीं, अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आए, कुछ नई चीज़ जानने को मिले कि नहीं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने से होता कुछ नहीं है, जस्ट वो हमारे मोटिवेशन का एक सोर्स के रूप में जो है होता है। तो चलिए सबसे पहली बात है कि प्रोसेस स्किल्स इन EVS, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ये प्रोसेस स्किल? देखिए, प्रोसेस का मतलब हम अगर हिंदी में कहें, अगर एकदम साक्षात, तो इसको हम कहते हैं कि प्रक्रिया। तो कुछ ऐसे कौशल होते हैं कि जब हम EVS को पढ़ता है, कोई भी बच्चा है जो EVS पढ़ रहा है, तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जिनकी मदद से, मतलब जिनकी हेल्प से बच्चा अपने नॉलेज को क्या कर पाता है, अब उसकी नॉलेज इधर इधर अलग अलग जगह है, उनको गैदर कर पाता है, जिनकी मदद से बच्चा नॉलेज को गैदर कर पाता है, कुछ अपने से हाइपोथेसिस कर पाता है, एजम्पशन कर पाता है कि अच्छा ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ कंपेयर कर पाता है, कुछ एक कंक्लूजन को पर आ पाता है। सो वो किसके कारण होता है? तो दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस स्किल्स। ठीक, तो बच्चा इनकी मदद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस, एंड इट आल्सो प्रमोट हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मतलब तुरंत तुरंत जो है बच्चा खुद से ही अपने हाथों के साथ, मतलब हाथों के साथ इन द सेंस कि वो एक्टिविटी को वो करके भी देख सकता है। अब अगर EVS पेडागॉजी में बात करें तो यहाँ पर जो है आपको छः प्रोसेस स्किल्स आपको यहाँ पढ़ने हैं। अब वो प्रोसेस स्किल कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप एक बार नाम देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नीचे इसको डिटेल में भी समझेंगे। डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोसेस स्किल्स आपसे पूछे गए हैं पेपर के अंदर। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। इसके ऊपर, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आगे हम इसके ऊपर डिटेल में देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, क्लासीफाइंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि अवलोकन करना, क्लासीफाइंग मतलब उसको अलग अलग क्लासीफाई करना, मेजरिंग मापन, कम्युनिकेटिंग संप्रेषणात्मक, इन्फरिंग कुछ एक इन्फर करना, एंड प्रेडिक्टिंग मतलब उसके बारे में प्रेडिक्ट करना, एक पहले से भविष्यवाणी की टाइप देना। By using these skills, अब ये जो छः स्किल्स की इन्होंने बात करी है यहाँ पे, इन स्किल्स का यूज़ करके जो स्टूडेंट है कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, वो क्या कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। टेस्ट देयर आइडियाज़, दैट मीन्स कि वो कुछ सोच रहा है तो वो उसको भी कर सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो है आगे वर्क कर सकता है। और लार्जर फ्रेम में देखें तो यही वो बेसिक शुरुआत होती है कि जब बच्चा, जब यहाँ से उसके अंदर वो आप कह सकते हैं एक झील आती है ना, कि हाँ जो है मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखूँगा, चीज़ों को खोल करके देखूँगा, वो जो एक्सपेरिमेंट करने की जो टेंडेंसी होती है यहाँ से जब शुरू होती है, तो आगे चल के बच्चा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है इस दुनिया की अपने जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू से रख पाता है कि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो वो शुरुआत ऐसा नहीं होता है कि वो एकाएक होती है, वो शुरुआत बचपन से बच्चे के साथ आपको करनी होती है, और उसको करने में मदद कौन करता है EVS के अंदर, दीज प्रोसेस स्किल्स। क्लियर है?
अब आते हैं अपनी छहों हम स्किल्स को बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज तरीके से समझेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग जिसको हिंदी में अवलोकन कहते हैं। इनका हम पांच सेंसेस की मदद से यूज़ करते हैं। आपको पता है अगर आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप पार्टिसिपेटिव मोड में भी कर सकते हो या नॉन पार्टिसिपेटिव, दोनों तरीके से मतलब इन्वॉल्व होकर भी दूर से भी कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि आप जब भी ऑब्जर्व करोगे किसी चीज़ को तो आप अपने फाइव सेंसेस के थ्रू ही करते हो, चाहे आँखों से देख रहे हो, चाहे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे कोई टेस्ट कर रहे हो, ठीक, या फिर आप सुन रहे हो, या टच है तो सेंस ऑफ टच। तो ये जितने भी आपके पांच अलग अलग सेंसेस हैं ना, उनकी मदद से ही आप ऑब्जर्वेशन करते हो। अब आपको जब पेपर में पूछेगा, जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जो पूछा गया जैसे उसमें कि बच्चा है उसके सेंसेस का यूज़ हो रहा, तो उसमें कौन सी प्रोसेस स्किल यूज़ हो रही है। तो सेंसेस के साथ आपको हमेशा याद रखना है ऑब्जर्वेशन स्किल यूज़ होती है। क्लियर है? लेट्स कम द नेक्स्ट प्रोसेस स्किल, दैट इज़ क्लासिफाइंग। याद रखिएगा दिमाग में, फर्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। देखिए बेस्ट, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसका सबसे बेटर तरीका है कि जब आप पढ़ते हैं तो पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और जैसे मैंने पीछे भी बता दिया, पहला वो पहला आपके दिमाग में रहते हुए आप दूसरा सीख रहे हैं, और जब ये पांचों आप कर लें, छहों कर लें, तो आपको इन एटलीस्ट छहों के नाम याद होने चाहिए। और जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें तो उन छहों के थ्रू आपको याद रहे कि ऑब्जर्वेशन है तो सेंसेस, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तभी आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप अलग अलग करके सही चीज़ें कर पाएंगे। और ऐसा जादू के साथ नहीं होगा, ऐसा तभी होगा जब आप उसको टाइम टू टाइम पहली चीज़ तो रिवीजन में लाइए, दूसरी चीज़ जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। क्लासिफाइंग, वर्गीकरण, इसमें क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज में बांटना, क्लासेस में एनालिसिस का प्रयोग करना। अब देखिए पहले स्टेज में बच्चा ने सेंस का यूज़ किया, अपने किसी भी एक सेंस का यूज़ किया, अब उसको यूज़ किया, मान लीजिए उसने अपने विजुअल सेंस का यूज़ किया, आँखों से देखा, उसने इन्वायरमेंट में बहुत ध्यान से देखा और उसको इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें दिखाई दी, पानी दिखाई दिया, कुछ जीव जंतु दिखाई दिए, कुछ प्लांट्स दिखाई दिए, ज़मीन दिखाई दी, टेबल दिखाई दिया, चेयर। तो अब बच्चा क्लासिफाई करने लगा। क्लासिफाइंग करने का मतलब क्या है, बच्चे ने उसको बांट दिया जैसे यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग में। तो पहले उसने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया तभी तो बांटा ना, ऐसा तो है नहीं आँख खोल के आया बाहर और उसने तुरंत तुरंत अलग अलग कर लिया, दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन, और ये होता भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो चाइल्ड है वो क्लासीफाई करेगा। जैसे इसमें लिविंग नॉन लिविंग में उसने क्लासीफाई कर दिया कि भाई प्लांट्स हैं तो वो लिविंग है, जो लैंड एयर वाटर है ये नॉन लिविंग में चला जाएगा, ठीक। तो पहले ऑब्जर्व करेगा तभी वो क्लासीफाई कर पाएगा। सो दो प्रोसेस स्किल्स आपने पढ़ ली। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेजरिंग। मेजरिंग मतलब होता है मापन। देखिए मेजरिंग हम कभी भी जब टर्म यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक नंबर प्रोवाइड होता है कि जिसके बेस पे आप बता सकते हो ये चीज़ इससे इतनी कम है या इतनी ज़्यादा है। तो मेजरिंग आपको क्यों आनी चाहिए कि उन चीज़ों का कंक्लूज़न निकालने तक मेज़र करना आपको आना चाहिए। वो मेज़रिंग आपको पता है जैसे जैसे आप EVS पढ़ते जाते हो अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से मेज़र करना। कुछ मेज़रमेंट क्वालिटेटिव होते हैं, चूँकि आप ये बच्चों के लेवल का है तो इसलिए इसमें इतना दिया है, बट आप इसके एक्सटेंड तक भी जानो क्योंकि आप एज अ टीचर इसको देख रहे हो। क्वालिटेटिव होते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव भी होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में देखिए जब हम बात करते हैं इसकी तो ये जो आपका गुणात्मक होता है ये नंबर प्रोवाइड नहीं कराता है। जैसे बताया कि भाई कोई चीज़ मान लीजिए कि हवा की शुद्धता है तो वो अच्छी हो गई है। अब वो अच्छी हो गई है या बहुत अच्छी हो गई है क्वालिटेटिव है, बट जब आप उसको बताएंगे ना कंपेयर करके कि प्रीवियस ईयर में 240 था आज 130 है तो ये बेटर है कि ख़राब है, तो ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा। जहाँ पे आप मेज़र करके नंबर्स को प्रोवाइड करो और क्वालिटेटिव में गुणात्मक चीज़ें हैं। तो मिला जुला के बात यह है कि मेज़रमेंट जो है अब बच्चे को ये भी आना चाहिए कि वो एक कंक्लूजन निकाल सके, एक चीज़ों को कर सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण। अब देखिए संप्रेषण बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे को लास्ट में क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि आपके पास जो ज्ञान है, जो ज्ञान आप ले रहे हैं या जो बच्चा ले रहा है उसको लेकर के उसको एक पोटली में बांधना और बांध करके रख लेना कि देखो मैंने तो डिग्री ले ली, मैंने तो पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना और ऐसा होगा भी नहीं भाई। तो उनको क्या करना है, सोसाइटी में फेस करना है, उस चीज़ को दिखाना है, ठीक। तो जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान बच्चे के पास है, अब चाहे वो ऑब्जर्वेशन से करके आया है, मतलब ऑब्जर्व कर लिया उसने, उसने क्लासिफिकेशन कर लिया, उसने
कंक्लूजन निकाल करके मेजरमेंट भी कर लिया, मतलब कि अब जो उसने एक्सपेरिमेंटेशन मतलब उसका जो है उसने जो किया है अब उसको उसको आना चाहिए कि उसने जो इतनी चीज़ों को देखा लिविंग नॉन लिविंग में बांटा, अब वो अपने दोस्तों को अपने टीचर्स को या किसी के सामने उसको प्रेजेंट करने के लायक भी रहे थ्रू डिस्कशन शेयरिंग पीयर लर्निंग कोलैबोरेशन। दिस इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, खुद से सोचिए। क्योंकि आप अथाह विद्वान हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वेल एंड गुड, बट व्हाट इज़ द नीड, उसका क्या फ़ायदा, ठीक क्या बेनिफिट है अगर आप उसको अपने तक नॉलेज सीमित रख पा रहे हैं। उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप उसको दूसरों तक नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए जो विद्या, जो सरस्वती, जिस नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, उस बंडल पे हमको बैठना नहीं है, हमको उसको ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि हम जितना दूसरों को वो चीज़ देंगे अपने ज्ञान, उतना ही वो ज्ञान आपको उतना ही क्लैरिटी के साथ आपके साथ भी जुड़ता जाएगा, उतने ही आप और उसमें सक्षम होते जाएंगे, ठीक। तो जो नॉलेज ऑब्जर्वेशन, चाहे वो जितने भी अभी तक प्रोसेस स्किल्स आपने तीन देखी ना, कौन कौन सी देखी है, अब एक बार अपने से आँख बंद करके बोलिए, इसमें लिखा हुआ है बट आप देखिए नहीं। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आपने देखा, अवलोकन, फिर आपने वर्गीकरण देखा, फिर आपने मापन देखा। इन तीनों के आधार पे बच्चे ने जो भी निष्कर्ष पाया, चाहे जैसे भी पाया, अब वो उस निष्कर्ष को क्या कर पाएगा, सोसाइटी में, समाज में रख पाने के काबिल हो। चूँकि आप बात कर रहे हैं बच्चे की, तो यहाँ पे पीयर की बात करेंगे, पीयर मतलब कि उनके जो दोस्त मित्र हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे, बच्चा शेयर कर पाएगा, डिस्कशन कर पाएगा, क्लियर। सो दिस इज़ द फोर्थ स्किल, प्रोसेस स्किल। फिफ्थ है आपका इन्फरिंग। इन्फरिंग दैट मीन्स कि कुछ कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, मतलब कि अब उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कि यार देखो लिविंग थिंग ऐसे थे तो नॉन लिविंग ऐसा था, इसका दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं, उसने अब कम्युनिकेट करना सीख गया। फिर आता है कंक्लूजन। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दैट, कि ठीक है लिविंग नॉन लिविंग में तुमने बांटा, अच्छी बात है, तुमने बताया वो भी अच्छी बात है, बट क्या कंक्लूजन निकला। तो एक होता है ना कि अपना खुद का इंटरप्रिटेशन होना, वो बहुत ज़रूरी है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब बच्चे का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू कब आएगा, अब यही बहुत सारे लोग मार खाते हैं कि वो रट रट के जाते हैं और भाई फिर तो पढ़ाने, क्योंकि टीचर भी तो हमारे जैसे ही जाते हैं ना, हमें सबसे पहले एज अ टीचर मुझे जो फील होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्टली कि हम सब कहीं ना कहीं उसके रीज़न हैं, कि अगर क्लास में एज अ चाइल्ड हम लोग बैठे भी हैं, अगर टीचर ने हमको डांट के चुप भी करा दिया तो हम चुप हो गए, इसीलिए टीचर भी उस रेंज में फिर उनकी हैबिट हो गई, वो उस चीज़ से क्या हो गया, कंडीशनड हो गया कि भाई क्लासरूम तो ऐसा ही होता है। तो टीचर की फॉल्ट तो थी, हमारी भी फॉल्ट थी, बट आज के टाइम में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस। अगर हमने गलती करी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, तो उसको एक्सेप्ट पहले करिए, तभी आप उस चीज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो ओन इंटरप्रिटेशन बच्चे का खुद का होना चाहिए कि उसने क्या निष्कर्ष निकाला, उससे उसको क्या समझ में आया, कि ऐसा तो नहीं कि बस टीचर ने बता दिया बेटा ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, अलग अलग कर लो, हो गया काम। तो इंटरप्रिटेशन, इन्फरिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है, किसी चीज़ के प्रति निष्कर्ष निकालना, ठीक है। कंक्लूजन को ड्रॉ आउट करना, फाइनल ऑब्जर्वेशन देना, और ये आपका जो है फिफ्थ प्रोसेस स्किल के रूप में आता है। नेक्स्ट आपका लास्ट ये जो प्रोसेस स्किल है वो है एस्टिमेट, प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना, ठीक। अनुमान इन द सेंस कि जैसे कि आपने किसी चीज़ के बारे में हाइपोथेसिस की, पहले से पूर्व कल्पना। हाइपोथेसिस क्या होता है, कि आपके सामने कोई समस्या है, क्या होता है कि आपके सामने कोई समस्या है, उस समस्या का आपने प्रोबेबल आंसर दे दिया, ठीक। जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि मान लीजिए कि कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि भाई बहुत ज़्यादा आपकी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत कूड़ा कचरा हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई अगर सब अपने कूड़े को प्रॉपर जगह वेस्ट डंप करेंगे, या फिर जो आते हैं कूड़ा लेने वाले अगर आप उनको देते हैं अपने प्रॉपर वेस्ट, तो इससे जो है कॉलोनी साफ़ सुथरी रहेगी। तो ये एक आपका सल्यूशन है, जो ज़रूरी नहीं कि सही ही हो, ठीक है। इसके अलावा वेरियस आप हाइपोथेसिस दे सकते हैं, तो उसमें से हो सकता है कोई हाइपोथेसिस आपका सही हो। इट मीन्स कि आपका जो प्रोसेसिंग स्किल है ना, किसी समस्या को देखने के साथ ही उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस आपके दिमाग से निकलने चाहिए, और उसी के आधार पे आप प्रेडिक्ट करेंगे। आप क्या प्रेडिक्ट किए कि भाई अगर सब अपने कूड़े कचड़े को प्रॉपर जगह वेस्ट करेंगे तो सोसाइटी में भी गंदा नहीं होगा, कॉलोनी में भी गंदा नहीं होगा, ठीक। सो दीज आर द सिक्स प्रोसेस स्किल्स जो कि हम जो है इसमें जानते हैं। आपके EVS में आपको ये छः प्रोसेस स्किल्स को पढ़ना है। अब इन छों का नाम क्या है, आप सबसे पहले उसको समझिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन,
ठीक, OCM था आपका ऑब्जर्वेशन क्लासिफाइंग या क्लासिफिकेशन, फिर आपका मेजरमेंट, फिर मेजर करने के बाद आपने क्या किया, कम्युनिकेट किया, फिर आपने इन्फर किया और एट लास्ट आपने प्रेडिक्ट किया या एस्टिमेट किया। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसके जो नेक्स्ट हम लोग पेडागॉजी का, इसको मैं छोटा ही रख रही हूँ ताकि आपको इजी हो याद रख करने में भी। तो अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है हमारा थीम्स, जो हम नेक्स्ट अपने EVS पेडागॉजी के पार्ट टू में करेंगे, थीम्स और सब थीम्स, उसके साथ पेडागॉजिकल, क्योंकि पेडागॉजी का सेक्शन काफ़ी छोटा है तो इसको आप जो है छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ में करेंगे कवर, आप इजिली कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस स्किल्स थे, मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और इसके साथ पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।